हे uh, गाइस hey नमस्ते स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज फर्स्ट ऑफ नवंबर तो आज uh, जो है कुछ नया शुरुआत हम करेंगे uh, तो नया शुरुआत कैसे करेंगे सो आई विल बी ट्राइंग टू मेक दिस वीडियोस इवन मोर शॉर्टर क्योंकि यहाँ पे uh, मैं यही फॉर्मेट फॉलो करूंगा अगर आप स्पॉटीफाई में सुन रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको इसका बेनिफिट ले सकते हैं पर यूट्यूब में अगर आप देख रहे हैं तो मैं इसमें ये करूंगा कि जो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा एंड अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं यू कैन आस्क मी मैं एक मेंबरशिप ग्रुप क्रिएट करने वाला हूँ नेक्स्ट वीक से सो so उसमें क्या होगा कि आप एज इफ यू बिकम अ मेंबर ऑफ दैट इट बहुत ही कम एक मेबरशिप फीस होगा तो वहाँ पे ये होगा कि आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं कि हाँ ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा समझाइए इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा रिसर्च चाहिए थोड़ा सा वीडियो चाहिए सो आई विल बी डूइंग दैट और यहाँ पे uh, जो डेली रिव्यू होता है उसमें क्या करूँगा Uh, उसमें जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैं कवर करूंगा उसके उसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं यू कैन रीड द न्यूज़ पेपर और यू कैन यू नो ज्वाइन आर ग्रुप एंड गेट मोर एंड मोर इफॉर्मेशन फ्रॉम दै सो लेट्स गेट स्टार्टड विद दिस वीडियो सो द बिगेस्ट न्यूज़ रैट नाउ इज जो निफ्टी है वो ऑलरेडी एटीन थाउजेंड टच करके वो नीचे गिरा था सो तो अभी जो है निफ्टी इज नियर अबाउट एटीन थाउजेंड रीगेंस एटीन थाउजेंड एंड ऑन ग्लोबल क्यूज तो अगेन इट्स अ वेरी ऊपर नीचे आपका चल रहा है और यहाँ पे इवन एन सेंसेक्स और एन दोनों अभी जो है माउंट करेंगे

जैसे आपका टिकटॉक ये सारे जो है इनको भी बैन कर दिया गया था एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एज हुआई और जेट टी जो है पहले उसका हजार इम्प्लॉयज थे अभी डेढ़ सौ हो चुके हैं डेढ़ हजार थे अभी दो सौ एम्प्लॉयज़ और हुआई uh, या ओप्पो वीवो का जो है पैसा लेके भी इंडिया से भाग जाते हैं एक्साइज ड्यूटी टैक्स नहीं देते सो दिस इज समथिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअलीफ द गवर्नमेंट वॉन्स दे कैन गेट यू नो दे कैन थ्रो यू आउट ऑफ द कंट्री विद दियर पॉलिसीज एंड एवरी थिंग सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक बाइजूस लेक्रो फैक्टर्स तो ये ले ऑफ होता ही रहेगा बट आई डोंट नो वाई पीपलो टारगेटिंग बाईस एयरटेल का लोअर एस यूसी एस यू सी का मतलब क्या होता है लोअर स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस क्योंकि अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ओल्ड होता जाता है उसका कॉस्ट भी जो है कम होता जाता है और यहाँ पे कोई भी नया टेक्नोलॉजी उसका दो चीज पर फैक्टर होता है कंजम्पन वॉल्यूम एंड इनिशियल स्टेज में जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है दैट इज वेरी सो फोर जी थ्री जी बिकम क्वाइट एंड ओल्ड टेक्नोलॉजी राइट नो आई थिंक छः साल सात साल हो चुका है फाइव जी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो भी चार साल में जो है वो वो आपका जो है पुराना हो जाएगा सोट इंटरेस्टिंग टाटा स्टील जो है नेट प्रॉफिट प्लस नाइनटी परसेंट टू बारह सौ करोड़ सो अगेन द सेम थिंग अभी जो है इनपुट कॉस्ट uh, जो है वो बढ़ने वाला है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाला है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस इज गोइंग टू एफेक्ट द मार्जिन सो अगर आप स्टील स्टॉक में इन्वेस्ट स्टॉक पर रखा हुआ है सो इट मैट ब गुड टाइम टू एक्ट इफ यू हैव इफ यू हैव बुक एनी प्रॉफिट और इफ़ यू हैव स्पोर्ट एनी प्रॉफिट आईज एन ट्वेंटी टू बेटर क्वालिटी अर्न बेटर मनी फॉर इन्वेस्टर्स सो आई पी ओ इट सेल्फ डिपेंड्स ऑन दी काइंड ऑफ द कंपनी यहाँ पे uh, सिर्फ आई पी ओ के माध्यम आई पी ओ आपने लॉन्च किया ऐसा कुछ नहीं है कंपनी का बेसिक्स फंडामेंटल्स बहुत मैटर करता है उसको बिना देखा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं यह है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से कंपनीज है जो आपके आई पी ओ में आ चुके हैं सबसे बड़ा जो है दिस अडानी फिल्मार विच हैजू नो स्पोर्ट अलॉट उसका पी रेशियो देखने से आप पकड़ा जाएंगे एंड वेदांत फैशन जो है वो है आपका मानियवर मान्यवर का भी एड आपको बहुत कम देखने को मिलता है टोटल का भी एड बहुत कम देखने को मिलता है सो दीजर सम ऑफ द कंपनीज विच हैव कम इन टू दिस डोमेन इमुद्रा भी जो है इमुद्रा इज अ वेरी स्टेबल कंपनी डानी विल्मा इज अ स्टेबल कंपनी वरान्डा लर्निंग इज अ लॉस मेकिंग कंपनी कैंपस एक्टिव है इट इज़ ऑल्सो अ वेरी प्रोफिटेबल कंपनी तो ये सारी चीजें जब आप देखेंगे सो यूल टू फिगर आउट विच आर दी आई पी ओज बट आई प्रेफर पर्सनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये सारी इसमें देख सकते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बट इफ एय लुकिंग टू मेक यू नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई विल नॉट टच एनी आई पी ओ कंपनीज एज ऑफ नाउ बंदन बैंक जो है वो आपका नियर अबाउट टेन परसेंट गिरा हुआ बट आई थिंक आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी ऑल्म नॉट बाइंग एनी बैंकिंग स्टॉक बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट बंधन बैंक इज क्वाइट गुड बिकॉज इसका ग्रोथ ईस्टर्न मार्केट में ईस्टर्न इंडिया में मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है सो इसलिए आप देखोगे आउट परफॉर्म आउट परफॉर्म सो रेटिंग जो है आउट परफॉर्म बाय बाय बाई न्यूट्रल सो अलॉट ऑफ पीपल विल भी टेलिंग टू बाई बिकॉज एंड माई पॉइंट ऑफ व्यू मैंने भी जो अनालसिस किया है बंधन बैंक इज अ गुड बाई इन टर्म्स ऑफ बैंक बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे बैंक है बड़े बैंक तो ठीक है आईसीआई एच स्टेबल आपको रिटर्न देता है बट अगर आपको एक रोबोस्ट कंपनी चाहिए दीज आर ऑल मिड कैप कंपनीज वहाँ पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है सो अबन बैंक बैंक कैन बी अ वेरी गुड बेट बीकाजी फूड का जो है वो भी आई लॉन्च करेंगे सो समथिंग विच माइट बी इंटरेस्टेड बीकाजी जो है अगर अब मैं कहूँ तो यहाँ पे आपका हल हल्दीराम जैसा ही है पैकेट uh, फूड ये सब स्नैक्स ये सब बेचते हैं इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज अर्बन एरिया में जो कंजम्शन है अनहेल्दी फूड का वो बढ़ रहा है विच इज यू नो विच इज हेल्पफुल इफ यू वॉन्ट टू मेक मनी फ्राम दिस सेगमेंट ऑल सेक्टर इंडाज आर इन ग्रीन वेरी गुड स्टफ बट राइट नाउ नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट फिजिकल डेफिजिट जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है आपका जो है फोरेस्ट रिजर्व डिक्रीज हो रहा है सो दिस इज वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द आर बी आई एंड द फाइनेंस सेक्टर टू टेक इन टू कंसिडरेशन हाउ टू मूव अवे फ्रॉम डॉलर स्टैंडर्ड एंड हाउ वी कैन रिड्यूस आर डिपेंडेंसी ऑन हमारे एनर्जी सिक्योरिटी कैसे हम उसको फिक्स आउट कर पाएंगे को ग्रोथ बैक ऑन ट्रैक अप टू सेवन पॉइंट नाइन परसेंट इन सेप्टेम्बर आफ्टर टू मंथ ड्रॉप सो जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है ये स्लोली एंड ग्रेजुअली होता रहता है दिस इज राइट right बिकॉज अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज गोइंग ऑन बिकॉज ऑफ of PLI scheme स्कीम एंड बहुत सारे स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है सो उससे जो है आप शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा ग्रोथ विल भी मोर देन सिक्स टी सेवन परसेंट एंड इट माइट डीवन टच टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट एज वेल बिकॉज ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दट इज गोइंग ऑन बट दैट डज नॉट मीन दट यहाँ पे जो है आपको रिटर्न मिलने वाला है वैदर इज स्टेबल और नॉट बिकॉज अगर आप मैन्यूफेक्चरंग यूनिट तैयार कर रहे हैं फिर उसमें जैसे स्टरलाइट इंडस्ट्रीज अगर आपको पता है आपने बना दिया कॉपर का दाम पूरे नेशन वाइड बढ़ जाता है स्टरलाइट कॉपर उसको पढ़िएगा, अहा वो धनाबाजी करके जो है उस प्लांट को बर्बाद कर दिया गया था बंद कर दिया गया था अभी वहीं के लोग बोल रहे हैं कि फिर से वो प्लांट खोलो

Uh, which is not Amazon, जो है अपैरियो रिटेल सी से उसका नाम शुरू होता था उसको भी जो है सीसीआई ने बैन कर दिया था क्लाउड टेल को बैन कर दिया था अभी अपेरियो को बैन करेगा तो ये बैन करता जाएगा सीसीआई इसके ऊपर फाइन uh, मारता जाएगा बट ये सब चलता ही रहेगा दिस इज हाउ यू से मुनाफली एंड यू नो पुशिंग अवे ऑल द सेलर सास फर्म जो है डेढ़ सौ मिलियन डॉलर बेस किया है गुड थिंग बिकॉज अभी जो है सैस कंपनीज यानी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज ये सब जो है अच्छा मोटा पैसा मार्केट से उठाएँगे so, <laughs> अभी uh, जो ट्विटर वाले जो थे भैया उनको तो पराग भाई को निकाल दिया गया है पराग भाई के अब अभी इलोन मस्क ने उसको निकाल दिया अभी इलॉन मस्क के टीम में और एक इंडियन आदमी है इसका नाम है श्री राम कृष्ण सो so, वो अभी uh, जो है <laughs>

Prices is dropped, so again, very interesting stuff. So, th this will be all temporary, so it might be interesting. to uh, the garden sector has some short term, which movement upward movement. They with Tata's in cockpit AI beats Indigo as a top on time airline. So, yeah, more companies included in telecom PLI scheme, PLI production link in incentive. So, this might be interested. All renewable business to merge in one Tata power chief. आदित्य बिरला ग्रुप ब्रांस ब्रांडेड ज्वेलरी फो है के एम बिला जो है फाइव थाउजेंड करोड़ इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो राइवल कर पाएंगे और वेरी बिग ब्रांड विच हज ग्रोन रिलायंस में भी जो है रिलायंस ज्वेलरी इज ऑल्सो वेरी बिग ब्रांड सो आदित्य बिरला जो है वो अभी शुरू करेंगे ज्वेलरी क्योंकि ज्वेलरी के माध्यम से जो है आप जो लोगों का गोल्ड का कंजम्पन सारे कंजम्शन कभी कम नहीं होने वाला एंड मोर एंड मोर पीपल आर इन्वेस्टिंग एज एन एसेड एंड एज यू नो Uh, as per to increase their consumption so uh, they are also investing there uh, don't forget the rupee and uh, chips ko leke, abhi jo hai, near about war hai, china taiwan usa ka. inflation hits new record in europe growth falters सो चाइना इकोनॉमी वीकेंस एज कोविड का सो ये सब चलता ही रहेगा आपको देखना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी में जो है मैनुफेक्चरिंग एंड सर्विस सेगमेंट जो है वो मूव करना चाहिए फास्ट एंड फास्ट रिटेल लॉट टू लॉट ऑफ कैचअ टू डू एंड अगेन इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था बिकॉज रिटेल प्राइमरली रिटेल का मतलब होता है एफ एम सी जी के एफ एम सी जी और इलेक्ट्रॉनिक्स दो सेगमेंट होता है जहाँ पर आपको बहुत डोर टू डोर रैदर पेनिट्रेशन चाहिए होता है एफ एम सी जी में ज्यादा क्योंकि किराने के दुकान में जाकर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इन टर्म्स ऑफ टी वी फ्रिज स्पेशली मोबाइल फोन जो आप दुकान

पॉल्यूशन एंड अगेन बैक टू दॉलीटिक्स आम आदमी पार्टी ने बताया था कि हम अगर पंजाब में आते हैं तो पराली जलाने को पूरा बंद कर देंगे बट कुछ हुआ नहीं है बिजनेस uh, में अगर हम आते हैं बारह एक में कस्टम एक्साइज मॉपअप मे सी वन ट्रिलियन शॉर्टफॉल रीजन बिकॉज एडिबल ऑयल पे जो ड्यूटी कट किया गया है पेट्रोल प्रोडक्ट्स पे जो है ड्यूटी कट गया है उसकी वजह से जो है आपका जो टैक्स इनकम होता है गवर्नमेंट का वो कम हुआ है बट यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा एक्सपोर्ट में पैसा कमा रहा है हमारा गवर्नमेंट और टैक्सेशन जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में अभी भी बहुत ज्यादा करके रखा हुआ है जिसके माध्यम से इनकम जो है उसमें कोई इशू नहीं आएगा वही बताया गया यहाँ पे फिजिकल डेफिसिट जो है थर्टी सेवन परसेंट आ चुका है विच इज नॉट रियली गुड क्योंकि यहाँ पे आपका फिजिकल डेफिसिट मतलब आप जितना खर्चा कर रहे हो उसका उतना आपका इनकम नहीं है यानी अगर आपका सौ रुपये इनकम है यहाँ पे एज पर दिस डेटा यू आर स्पेंडिंग थर्टी सेवन रुपीज वो डेट आप अपने यू नो बॉन्ड के माध्यम से ले सकते हैं कोई बैंक से ले सकते हैं एंड उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बहुत सारे लाइबिलिटीज आ जाती है विच इज नॉट गुड एंड इट बिकम्स मोर us मोर अनस्टेबल इन टर्म्स ऑफ यू एस do this because us has is the country which can print dollar बाकी जो है उनको तो फिर मतलब अपना खुद से मैनेज करना पड़ता है विच कैन बी वेरी डिफिकल्ट एफपीआई ने जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था एफपीआई ने आपके निफ्टी को पुश किया हुआ है सेंसेक्स सिक्सटी थाउजेंड एटीन थाउजेंड सो राइट ना इट इज नॉ नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट बिकॉज एफ पी आई कुछ दिन बाद जो है वो पैसा निकालना शुरू कर देंगे बिकॉज यू कैन सी दट देर विल बी अ साइकिल एटीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड आपका टच करने के बाद ही मार्केट गिरना शुरू करेगा एंड एफ पी आई इस विल भी टेकिंग आउट द मनी एंड जब भी वो पैसा निकालेंगे जो रिटेल में बंदा बैठा हुआ है वही बर्बाद होगा सो यू डो नॉट वॉन्ट टू बी द वन टू गेट डिस्ट्रॉड एक आर्टिकल विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इंडिया टू बी लोअर कॉस् इकोमी फॉर ट्वेंटी ईयर्स तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया का जो पर कैपिटल इनकम है वो सिक्स टू सेवन थाउजेंड डॉलर होगा Uh, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इनकम अगर आपका होता है बट दैट दट नॉट मीन दैट यू विल बी अ अडव कंट्री रीजन बिकॉज अगर आप इनकम करते हैं पर चीजों का दाम अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सो यू विल नॉट बी एबल टू सेव मनी सो प्राइमरी फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जितना आप सेव कर पाएंगे जी डी पी कैन भी एनी थिंग बट इफ पीपल डो नॉट हैव मनी पीपल डो नॉट हैव है पावर डज नॉट मीक मेक द कंट्री ग्रेट और यू नो डेवलप्ड सो आई टी सी को भी पता है कि उसका जो आवर एबिट शेयर फ्रॉम नॉन सिगरेट बिजनेस इज ट्वेंटी सेवन परसेंट सो सेवेंटी थ्री परसेंट जो है इनका सिगरेट से पैसा आता है एंड आई टी सी इज अ सिगरेट कंपनी इट्स इट ट्राइज इट इज ट्राइंग टू बी फिल्म सी जी कंपनी दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन दैट्स सो आई डोंट इन्वेस्ट इन आई टी सी सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप पढ़ सकते हैं और इबिटा शेयर फ्रॉम नॉन सिगरेट बिजनेस इज ट्वेंटी सेवन परसेंट ऑल्दो योजना इंक्रीज हुआ है बट अगे यू नो दट्स अ वेरी सैड थिंग दे शुड फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन हाउ टू क्रिएट मोर यू नो एडिक्शन बेस्ड बिजनेस बिकॉज वहीं से उनका जो है आई टी सी का फुलफॉर्म क्या है इंडियन टोबैको कंपनी वायर है वायर के एडिटर के घर में छापा मारा गया है आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये दिस इज समथिंग विच इज यू काफ़ पॉलिटिक्स अगर यू शूड नॉट फाइट विद द गवर्मेंट नेवर फाइट विदर्मेंट बिकॉज गवर्मेंट हैजल द रिसोर्सेस टू ब्रेक यू बर्बाद कर सकते हैं यू कैन फाइट विद द गवर्नमेंट

का मतलब कल जो है मैं चौबीस से चौबीस मिनट में कल के वीडियो में आप देख सकते हैं वहां पे मैंने डिस्कस किया था हाउ डेट इज बी यूज टू इंक्रीज कंजम्पन विच इज गुड फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस बट लॉन्ग टर्म में आपको जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा बिकॉज अलॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू पे बैक एंड वैन दे आर नॉट एबल टू पे बैक आपको जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट या uh, जो डिफॉक्ट अकाउंट्स है वो बढ़ने वाले हैं विच इज नॉट गुड फॉर यू यूट नंबर एयर ट्रैफिक डिक्लाइन प्लीज रीड अबाउट इट पत्रा बैंक टू प्ले की रोल इन ऑफरिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दे दे नीड टू Uh, India <laughs> continues to buy Saudi oil. Uh, sorry, Russian oil cuts shipments from Saudi. We need more and more Russian oil and also nuclear energy. Rupee Mark's biggest monthly losing streak since 1985 braces for Fed move. If you if export proceeds are uh, not realized, you need to surrender ROD, something which is Uh, which might be for you. अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हैं तो ये पॉलिसी आपको पूछ सकते हैं RO, DT, क्या होता है इसको समझाइए इन्फ्लेशन uh, में आपका यूरोजोन यानी यूरोप में इन्फ्लेशन बहुत हाई है विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग विथ्स और ब्लैक सी पैक्ट ब्लैक सी पैक्ट का मतलब होता है कि वो बोल रहे थे कि यूक्रेन जो है आपका शिप कर पाएगा बीट गेहूं ये जो है यूक्रेन से पर अभी जो है बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं करने देंगे और वो पूरा रशिया कंट्रोल करेगा एंड यूरोप में और भी इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है जैसे मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि फैक्ट्री में जो है फैक्ट्री वर्कर जो है शॉर्ट टर्म uh, आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म ये सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सऊदी अरेबिया जी डी पी ग्रोथ एट पॉइंट सिक्सेंट इन क्वार्टर थ्री Crude calculations on a Russian oil price cap. Hiring of permanent workers and startups fell by 61%. And slowly and gradually, startups will be leading the way to hiring freelancers and outsourcing their work. And slowly and gradually, ESRI, Wipro, Infosys, each IT only company, they will be doing the same thing again. Why do CEOs say sorry to employees who will leave? Subdued market slows mutual uh, fund growth story. सो म्यूचुअल फंड में जो है ग्रोथ जो है अभी स्लोली इन ग्रेजुअल इट विल भी वेरी स्लो बिकॉज फिरंगी इन्वेस्टर्स आर पंपिंग एंड डंपिंग द मार्केट एंड देसी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस आर नॉट एबल टू कीप अप विद इट सो माइट बी अ गुड रीड फॉर यू सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आज का वीडियो एटीन मिनट के अंदर ही खत्म हो गया सो आल ट्राई टू मेक इट इवन मोर शॉर्टर जहाँ पे मैं बीच में जो रनिंग कमेंट्री मारता हूँ मैं उसको अवॉइड करूंगा एंड उसको जो है मैं डिटेल्स में अगर आप कोई न्यूज मुझे चाहते हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए यू कैन टैक द टाइम आई ट्राई टू मेक वीडियोज ऑन इट ताकि वो बाद में मैं सिंगल सिंगल जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर सकूँ आपके लिए सो वट विल बी डूइंग इज इट्स वेरी क्विक फॉर मी ऑल्सो कि मैं जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मैं बता दूंगा कि यह पढ़ ये देख लीजिए ये पढ़ लीजिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सीरीज जो है मैं इस वीक को कंटिन्यू करूँगा एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू टेक केयर बाय बाय जय हिंद विल सी यू टुमारो